गुड गुड मॉर्निंग, मुनाफा सूत्रा न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं फिर आप लोगों के लिए आज मुनाफा सूत्रा डॉट कॉम पे डेली मॉर्निंग हेडलाइंस लेके आया हूँ मार्केट खुलने से पहले। तो आइए देर करे बिना आज के हेडलाइंस देख लेते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने एक बार फिर से अपनी इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट कराया है। इस पे दो एक दिन पहले भी कुछ न्यूज थी, इनका शेयर दो एक दिन पहले भी गिरा था। एमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स, इसका आईपीओ 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि ये दो एक आईपीओ आने वाले हैं, इन पे नजर रखेंगे, जिसमें ये एमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ भी था। इन आईपीओ से काफी उम्मीद लगाई जा रही थी, इनमें वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा और इसको लोग सब्सक्राइब भी खूब करेंगे। ये 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जिंदल स्टील में सस्पिशियस एक्टिविटी को कुछ डिटेक्ट करी गई है, जिसकी वजह से शेयर में 6% करीब गिरावट आई है। सस्पिशियस एक्टिविटी क्या है? 2015 और 2016 में करीब 15 मिलियन डॉलर फॉरेन से इनमें पेमेंट आई है, ये इन्वेस्टमेंट आई है, वो अभी चेक कर रहे हैं क्या आया है। दीपक नाइट्रेट में तेजी हुई है। ये वही कंपनी है जिसने यूएस को वो केमिकल सप्लाई करे थे, मलेरिया की दवाई वाले। ये लगभग तभी से, ये कोरोना के समय में इन्होंने और भी बहुत कुछ, मतलब ये केमिकल्स और इस तरह में प्रोडक्शन इनका कंटिन्यू रहा था, तो ये शेयर काफी अच्छे ट्रेंड में है। कोरोना के बावजूद भी ये शेयर काफी अच्छे ट्रेंड में है। साइंटिस्ट कह रहे हैं अगले साल तक इंडिया में भी कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से आ जाएगी। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, ये जो रशियन वैक्सीन आने की बात हो रही है, हम लोग भी दो दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली उसी फंडा पे बेस्ड है जिस पे चिकन पॉक्स की वैक्सीन बेस्ड होती है। उसमें क्या होता है, कुछ वैक्सीन जो है, जो आपको दी जाती है, वो रेप्लिकेट करती है उसी बीमारी के सिम्टम्स को जिसकी वैक्सीन है। तो अब जैसे कोरोना की वैक्सीन है, तो ये कोरोना के सिम्टम्स आपकी बॉडी में रेप्लिकेट करेगी, बॉडी को ट्रिक करेगी कि ये सोचने में कि आपको कोरोना हो गया है, और बॉडी जो है वो खुद ही, आपकी बॉडी अपने आप ही वो वाले एंटीबॉडीज बना देगी जो कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए होते हैं। ये है इस वैक्सीन का टोटल बेसिस, टोटल इसका फंडा। चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी ऐसे ही कुछ काम करती है। अच्छा, मैं एक बार बता दूं, जब मैं छोटा था तब चिकन पॉक्स की वैक्सीन हमारे स्कूल में बांटी गई थी। जिस साल वैक्सीन बांटी गई, जिस साल मैंने वैक्सीन ली, उसी साल मुझे चिकन पॉक्स हो गई थी। कोरोना की वैक्सीन पे भी थोड़ा देखते ही, जब इसमें प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाए मेडिकल कंपनी से, फार्मा कंपनी से, एसोसिएशन से, उसके बाद ही देखेंगे इसको। ब्रोकर रिकमेंडेशन देख लेते हैं आज। शेर खान ने एचसीएल टेक पे ब्रोकर रिकमेंडेशन दिए, टारगेट दे रहे हैं 900 का। केआर चौकसी ने भी एचसीएल टेक पे ही बाय कॉल दिया है, एक्युमुलेट करने का रिकमेंडेशन किया है। रीजन यही है जो हम पिछले दो तीन दिन से देख रहे हैं, कि एक तो पहले इसमें न्यूज आई थी लास्ट वीक की, एचसीएल टेक और गूगल क्लाउड इनमें पार्टनरशिप होने वाली है। फिर कल न्यूज देखी थी कि एचसीएल टेक जो एक ऑस्ट्रेलियन आईटी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश में है। तो इन सब रीजन से इसका शेयर जो है ऊपर जा रहा है। और जैसा कि बता रहा था मैं कि आईटी शेयर जो है, ये जब से ये कोरोना का चक्कर सब शुरू हुआ है, तभी से ये आईटी शेयर एक अपमूव में आ गए, खास तौर पे वो जो ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एचसीएल टेक वाले ऑनलाइन की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करना, ये सब चीजें, ये सब इसी का पार्ट है। इस शेयर को खरीद के थोड़े से टाइम के लिए रखा भी जा सकता है। पिछले हफ्ते से ही एचसीएल टेक में
आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि इसमें बाइंग आने के पूरे पूरे संकेत हो रहे हैं एक्सेल टेक में। पिछले फ्राइडे से ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की न्यूज में इतना ही, कल फिर मिलेंगे मुनाफा सूत्रा न्यूज में, मॉर्निंग न्यूज में। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो मुनाफा सूत्रा .com पे जाइए, चैट का बटन दबाइए और अपना क्वेश्चन वहां छोड़ दीजिए। किसी शेयर के बारे में क्वेश्चन है, टारगेट क्या रखें, स्टॉप लॉस क्या रखें, शेयर खरीदे ना खरीदे, खरीदे तो कितना टाइम होल्ड करें, कोई भी सवाल इस तरह का वहां छोड़ दीजिए मुनाफा सूत्रा चैट में, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा अगले दिन की न्यूज के बाद। थैंक यू।